गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी का 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले हम जान लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जनरल लक्षण हैं जिनमें जनन हो, जो वृद्धि करे, श्वसन क्रिया, ये सारी प्रक्रियाएं जिन ऑर्गेनिज्म से हो रही हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाती हैं। तो जीव, एक जीव की लाइफ अवधि भी होती है, जीव की लाइफ अवधि होती है जो जन्म से लेके उसके मृत्यु दर तक चलती है। हर जीव की लाइफ अवधि यानी जीवन अवधि निश्चित होती है। सपोज दैट मनुष्य की लाइफ अवधि 70 वर्ष है, तो वो जन्म से मृत्यु के बीच की जो अवधि को उसने जिया है, जिन वर्ष को उसने जिया है, इन 70 वर्ष में उसने जाहिर सी बात है अपने जाति के लिए, अपने वंश के लिए, अपने स्पीसीज के लिए उसने कई सारे प्रोसेस किए होंगे। उसमें से एक चीज़ है जनन। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। जनन दो प्रकार का होता है जनरली, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में जो पेरेंट्स होते हैं चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सेम उनके जैसे ही संतान उत्पन्न होती है। जैसे अमीबा हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ये सेम अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इन्हें एक और वर्ड दिया गया है, क्लोन। क्लोन एक ऐसा वर्ड है जो अलैंगिक जनन में उत्पन्न हुई संतति को दर्शाता है। ठीक, अब हम जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में दो गैमेट्स की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में दो गैमेट्स की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दो गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का निर्माण होता है, यानी एक नई संतति का निर्माण होता है दो नए डीएनए। लैंगिक जनन में दो गैमेट्स की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में दो गैमेट्स की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दो गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का निर्माण होता है, यानी एक नई संतति का निर्माण होता है दो नए डीएनए। मेल का अलग डीएनए होता है, फीमेल का अलग डीएनए। दो नए डीएनए से एक जो नया डीएनए सॉरी दो अलग अलग डीएनए से एक नए डीएनए का निर्माण जो होता है वो बिल्कुल भी दोनों से डिफरेंट होता है। ये माना जाता है कि इसमें समानता नहीं होती है, पूरी तरह समानता अलैंगिक जनन की तरह नहीं होती। ये और इसमें विभिन्नता पाई जाती है, लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए क्योंकि इसमें दो गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद किसी भी संतान की उत्पत्ति होती है, एक नए डीएनए का निर्माण होता है, यानी एक नए शिशु का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में समानता पाई जाती है और लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे जनन के कितने प्रकार होते हैं। जनन के जनरली दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत भी कई सारी विधियाँ होती हैं, तो उसमें देखेंगे हम एक एक करके कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। इन विधियों को है जैसे द्विविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडी भवन, ये जो है प्रमुख विधियाँ हैं अलैंगिक जनन की। अब इनको एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पहले हम अध्ययन करेंगे द्विविभाजन का। द्विविभाजन यह एक अलैंगिक जनन की ऐसी प्रोसेस है या ऐसा जनन है जिसमें जीव के शरीर दो भाग में डिवाइड होते हैं, यानी सिंगल न्यूक्लिएटेड जीव जो प्रोटोजोआ या मोनेरा जगत में रखे गए हैं
उनका शरीर क्या होता है, दो भागों में डिवाइड होता है, उनका केंद्रक दो भागों में डिवाइड होता है और डिवाइड होके दो अलग अलग संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा देखा हुआ कोई आकार निश्चित नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, तो ये दोनों ये क्या करता है, अपने बॉडी को दो भागों में डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करता है, दो अलग संतत कोशिकाओं का निर्माण करता है। दूसरा हम देखते हैं कि बीजाणु जनन। बीजाणु जनन भी अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो जीव होता है वो कुछ बीजाणु का निर्माण करता है और वह बीजाणु जमीन पर गिर के एक नए जीव की उत्पत्ति करता है जो हूबहू किसके समान होता है, जनक के समान होता है। इसका सटीक एग्जाम्पल है राइजोफस हो गया, पेनिसिलियम हो गया है। और नेक्स्ट देखते हैं मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन मतलब बडे। आमतौर पे जब फेस पे कोई पिंपल हो जाता है तो एक बर्ड टाइप का निकल आता है जो हमें देखने में बहुत बुरा लगता है, पर बडिंग सेम कंडीशन है। क्या प्लांट में कोई भी एक उभार या मुकुल उत्पन्न होता है, वह मुकुल एक फेवरेबल कंडीशन में आके सेम जनक के समान संरचना प्रदान करता है और जब तक वह डेवलप नहीं हो जाता तब तक वह जनक कोशिका से अलग नहीं होता है। इसका सटीक एग्जाम्पल है हाइड्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पुनरुद्भवन क्या होता है, रीजनरेशन। पुनरुद्भवन भी अलैंगिक जनन के एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा जनन है जो जीवों में जो उसका शरीर होता है दो भागों में या कई भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे डिवाइड होता है, गले का पोर्शन डिवाइड होता है, गले दो भागों में डिवाइड होता है, तो गले के साइड का ऊपर वाला हिस्सा जिसमें हेड पोर्शन नहीं होता वो हेड रीजन रीजनरेट करता है और जिसमें नीचे का पोर्शन नहीं होता वो नीचे के पोर्शन को रीजनरेट करता है। इस तरह से दो अलग अलग संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक और बचा हुआ है खंडी भवन। खंडी भवन क्या होता है कि इसमें जो जीव होते हैं उसके बॉडी के कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं, मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का निर्माण करता है। सपोज दैट कोई प्लांट हो गया, उसे कई भागों में डिवाइड कर दिया गया, तो वो प्लांट अलग अलग जितने भागों में डिवाइड हुआ रहेगा उतनी नई संतति का निर्माण करेगा या नए जीव का नए प्लांट का निर्माण करेगा। इस तरह से इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पायरोगायरा, ठीक है। इसमें कोई पिंपल हो जाता है तो एक बर्ड टाइप का निकल आता है जो हमें देखने में बहुत बुरा लगता है, पर बडिंग सेम कंडीशन है। क्या प्लांट में कोई भी एक उभार या मुकुल उत्पन्न होता है, वह मुकुल एक फेवरेबल कंडीशन में आके सेम जनक के समान संरचना प्रदान करता है और जब तक वह डेवलप नहीं हो जाता तब तक वह जनक कोशिका से अलग नहीं होता है। इसका सटीक एग्जाम्पल है हाइड्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पुनरुद्भवन क्या होता है, रीजनरेशन। पुनरुद्भवन भी अलैंगिक जनन के एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा जनन है जो जीवों में जो उसका शरीर होता है दो भागों में या कई भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे डिवाइड होता है, गले का पोर्शन डिवाइड होता है, गले दो भागों में डिवाइड होता है, तो गले के साइड का ऊपर वाला हिस्सा जिसमें हेड पोर्शन नहीं होता वो हेड रीजन रीजनरेट करता है और जिसमें नीचे का पोर्शन नहीं होता वो नीचे के पोर्शन को रीजनरेट करता है। इस तरह से दो अलग अलग संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक और बचा हुआ है खंडी भवन। खंडी भवन क्या होता है कि इसमें जो जीव होते हैं उसके बॉडी के कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं, मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का निर्माण करता है। सपोज दैट कोई प्लांट हो गया, उसे कई भागों में डिवाइड कर दिया गया, तो वो प्लांट अलग अलग जितने भागों में डिवाइड हुआ रहेगा उतनी नई संतति का निर्माण करेगा या नए जीव का नए प्लांट का निर्माण करेगा। इस तरह से इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जनन, जनन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, उसमें अलैंगिक जनन पढ़ लिया था हमने, कायिक प्रवर्धन पढ़ लिया था,
आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? इसमें विभिन्नता पाई जाती है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था? समानता पाई जाती थी, उसमें जनक की समान ही संतति उत्पन्न होती थी। पर लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए क्योंकि इसमें दो गैमेट्स की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल की। इसलिए एक मेल एंड फीमेल दो अलग अलग डीएनए से एक नए डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो दोनों के लक्षण को लेके जन्म लेगा, तो डिफरेंट तो होगा ही। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स की आवश्यकता होती है। दो गैमेट्स के मिलने के बाद जो जायगोट का निर्माण होता है, देन कंप्लीटली एक नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे मेल एंड फीमेल, मेल का अलग डीएनए, फीमेल का अलग डीएनए, मेल के गुणसूत्र उसके भी 46 अलग, इस फीमेल के भी 46 गुणसूत्र अलग, दोनों डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। अब दोनों के डिप्लॉयड कंडीशन में से टू एंड प्रोसेस जो सिंगल एंड आता है, यानी 23 गुणसूत्र मेल के, 23 गुणसूत्र क्या होते हैं फीमेल के। अब दोनों का 23 गुणसूत्र मिलेगा, मिलने के बाद एक नया 46 गुणसूत्र बनाएगा, एक नया 46 गुणसूत्र बनाएगा जो एक कंप्लीट नए जीव की उत्पत्ति को दर्शाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि द्विलिंगी क्या होता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में यह होता है कि एक ही साथ, एक जीव में एक ही साथ मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। एक ही साथ नर व मादा दोनों पाए जाते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी कहते हैं। जैसे हो गया केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, लीच हो गया। ठीक, अब यूनिसेक्सुअल क्या होता है? एक लिंगी, एक लिंगी में मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेल एंड फीमेल। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी एनिमल्स, ठीक है, या हम ह्यूमन बीइंग को ही ले लेते हैं, ये यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो देखते हैं लैंगिक जनन में होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं। फर्स्ट हम देखेंगे निषेचन पूर्व घटना, सेकेंड निषेचन, थर्ड निषेचन पश्च घटनाएं। एक एक करके जानेंगे हम क्या क्या इनके प्रोसेस हैं। पहले हम देखेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। इसमें पहला है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कहते किसे हैं? युग्मक के निर्माण के प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। युग्मक के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड सेकेंड एज है, और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण में क्या होता है? जब गैमेट पूरी तरह से बन जाता है, मेल और फीमेल दोनों में पूरी तरह से युग्मक का निर्माण हो जाता है, तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होकर के जाके फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज करने के बाद एक नए युग्मनज का निर्माण करता है, नए जायगोट का निर्माण करता है, जिसे हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगला है युग्मक के प्रकार। युग्मक के तीन प्रकार होते हैं, जैसे समयुग्मक, असमयुग्मकी, ठीक, विषमयुग्मकी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस। ये तीन टाइप हैं युग्मक के, यानी जायगोट के प्रकार। देखेंगे क्या है इसमें एक एक करके। है शल्क कंद्र, इसका सटीक एग्जांपल है प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें भूमिगत तना के अंतर्गत हम लोगों ने इसको जाना। नेक्स्ट हम जानते हैं अर्धवायवी तना। अर्धवायवी तना में देखते हैं क्या होता है।
इसमें जो प्लांट होता है कुछ सतह के ऊपर होता है, कुछ सतह के नीचे, और इसमें कई सारे भाग हैं। पहला भाग जैसे देखें आप, ऊपरी भूस्तरीय रनर्स, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है घास या दूब। ये एक ऐसे प्लांट हैं जो जमीन के मतलब सतह के ऊपर भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं, और ये क्या होते हैं कि जिस जहाँ पे ग्रोथ करते हैं इनका तना कुछ दूर पे जा करके फिर जमीन से अटैच होता है, और फिर वहाँ से नए प्लांट का निर्माण करता है, नए घास या नए दूब का निर्माण करता है, फिर वो तना आगे बढ़ करके फिर नया प्लांट का निर्माण करता है। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक, तो दूसरा है भूस्तरीय। भूस्तरीय का सटीक एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी प्लांट। स्ट्रॉबेरी प्लांट मतलब भूस्तरीय में क्या होता है कि प्लांट का कोई भी भाग वाजबी रूप से, कोई भी प्लांट का भाग, कोई भी टहनी वायवीय रूप से जमीन की सतह से अटैच होता है, और अटैच होने के बाद वहाँ से नए प्लांट की उत्पत्ति करता है, जिसका सटीक एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी प्लांट। तो नेक्स्ट है भूस्तरीका ऑफसेट। इसके सटीक एग्जाम्पल है जलकुंभी हो गया, रिक्सिया हो गया। ये क्या होते हैं कि जमीन सॉरी जल की सतह पर पाए जाते हैं और वहीं पर ये ग्रोथ करते हैं। दो तरीके से डेवलप होने वाले प्लांट इसमें हैं, जैसे कि जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा। तो जड़ द्वारा क्या, जड़ द्वारा में है सतावर, टहलिया, डहलिया, ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो जड़ द्वारा विकसित होते हैं, जड़ से ही नए प्लांट का निर्माण करते हैं। पत्ती द्वारा कौन से प्लांट हैं जो पत्ती से निर्माण होता है नया प्लांट, इसमें है अजूबा। अजूबा एक ऐसा प्लांट है जो कक्षस्थ कलिकाएं, जिनकी पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाए जाते हैं, नोड्स पाए जाते हैं, जहाँ से वो एक नया प्लांट डेवलप करने में सक्षम होता है। तो ये जाना हमने प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कृत्रिम कायिक जनन जो मानव के द्वारा ही ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। कृत्रिम कायिक जनन ये प्राकृतिक रूप से नहीं हो ना करके किसी ह्यूमन द्वारा डेवलप किया जाता है। इसमें कई सारी विधियां हैं, जैसे एक एक करके हम जानेंगे। जैसे इसमें पहली विधि है कलम द्वारा। प्लांट के किसी भाग को हम कलम कर देते हैं, नीचे की साइड से नुकीला कर देते हैं, कलम कर देते हैं, और उसे एक अलग जगह पे, किसी अलग जगह पे हम उसे गाड़ देते हैं, और वहाँ से एक नया प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है। नए प्लांट डेवलप करने में उसमें एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, जो एक नए प्लांट को डेवलप कर देता है। कलम के द्वारा ऐसे किसी नए प्लांट का डेवलपमेंट किया जाता है। दूसरा है दाब लगाना। जैसे प्लांट का कोई भी भाग हम किसी भी टहनी को जमीन की सतह से अटैच कराते हैं, जमीन में दबाते हैं, और दबाने के बाद जो होता है कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ फेवरेबल कंडीशन के बाद, वहाँ से एक नया प्लांट यानी जड़ का निर्माण होता है। फिर इसके बाद ऊपर का भाग यानी कंप्लीट एक नए प्लांट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें प्लांट से हम किसी भी टिश्यू को निकाल लेते हैं, और उस टिश्यू को निकालने के बाद एक प्राकृतिक पोषक माध्यम में रखते हैं। लैब में जा करके प्राकृतिक पोषक माध्यम में रखते हैं उस टिश्यू को, ऊतक को, और वहाँ तो उस टिश्यू को हम पोषक माध्यम में रख करके उसे लैब में ले जा करके वो सारी नेचुरल कंडीशन हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे नेचुरली जो एक प्लांट को डेवलप होने में टेम्परेचर चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, हार्मोन चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आर्टिफिशियली उसको लैब में ले जा करके प्रोवाइड कराते हैं उस टिश्यू को, और धीरे धीरे उस मीडियम में रख करके हम ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं। तो वो एक टाइम पे क्या होता है कि नए प्लांट की उत्पत्ति उसमें धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से एक नया प्लांट वहाँ से ग्रो करता है, और जब ग्रो कर जाता है तो उस प्लांट को वहाँ से निकाल करके जहाँ हमें यूज करना होता है या जहाँ लगाना होता है उस वहाँ पे हम उसको ग्रो कराते हैं जमीन में गाड़ के। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कायिक जनन।
तरीके से एक नया प्लांट वहां से ग्रो करता है। अब जब ग्रो कर जाता है तो उस प्लांट को वहां से निकाल करके जहां हमें यूज करना होता है या जहां लगाना होता है उस वहां पे हम उसको ग्रो कराते हैं जमीन में गाड़ के। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कायिक जनन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जनन, जनन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, उसमें अलैंगिक जनन पढ़ लिया था हमने, कायिक प्रवर्धन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? इसमें विभिन्नता पाई जाती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था? समानता पाई जाती थी, उसमें जनक के समान ही संतति उत्पन्न होती थी, पर लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए क्योंकि इसमें दो गैमेट्स की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल की। इसलिए मेल एंड फीमेल दो अलग-अलग डीएनए से एक नए डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो दोनों के लक्षण को लेके जन्म लेगा, तो डिफरेंट तो होगा ही। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स की आवश्यकता होती है। दो गैमेट्स के मिलने के बाद जो जायगोट का निर्माण होता है, देन कंप्लीटली एक नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे मेल एंड फीमेल, मेल का अलग डीएनए, फीमेल का अलग डीएनए, मेल के गुणसूत्र उसके भी 46 अलग, इस फीमेल के भी 46 गुणसूत्र अलग, दोनों डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। अब दोनों के डिप्लॉयड कंडीशन में से टू एंड प्रोसेस जो सिंगल एंड आता है, यानी 23 गुणसूत्र मेल के, 23 गुणसूत्र क्या होते हैं फीमेल के। अब दोनों का 23 गुणसूत्र मिलेगा, मिलने के बाद एक नया 46 गुणसूत्र बनाएगा, एक नया 46 गुणसूत्र बनाएगा जो एक कंप्लीट नए जीव की उत्पत्ति को दर्शाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि द्विलिंगी क्या होता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में यह होता है कि एक ही साथ, एक जीव में एक ही साथ मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, एक ही साथ नर व मादा दोनों पाए जाते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी कहते हैं। जैसे हो गया केंचुआ, हो गया जोंक, हो गया लीच, हो गया। ठीक, अब यूनिसेक्सुअल क्या होता है? एक लिंगी में मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मेल एंड फीमेल। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी एनिमल्स, ठीक है, और या हम ह्यूमन बीइंग को ही ले लेते हैं, ये यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो देखते हैं लैंगिक जनन में होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं। फर्स्ट हम देखेंगे निषेचन पूर्व घटना, सेकेंड निषेचन, थर्ड निषेचन पश्च घटनाएं। एक एक करके जानेंगे हम क्या क्या इनके प्रोसेस हैं। पहले हम देखेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। इसमें पहला है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कहते किसे हैं? युग्मक के निर्माण के प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। युग्मक के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड सेकेंड इज है, और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण में क्या होता है? जब गैमेट पूरी तरह से बन जाता है, मेल और फीमेल दोनों में पूरी तरह से युग्मक का निर्माण हो जाता है, तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होकर के जाके फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज करने के बाद एक नए युग्मनज का निर्माण करता है, नए जायगोट का निर्माण करता है, जिसे हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगला है युग्मक के प्रकार। युग्मक के तीन प्रकार होते हैं, जैसे समयुग्मक, असमयुग्मकी,
ठीक, विषम युग्मकी, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, उगैमस, ये तीन टाइप हैं युग्मक के, यानी जायगोट के प्रकार। देखेंगे क्या है इसमें एक एक करके। एक ही साथ नर व मादा दोनों पाए जाते हैं, उन्हें बाईसेक्सुअल यानी द्विलिंगी कहते हैं। जैसे हो गया केंचुआ, हो गया जोंक, हो गया लीच, हो गया ठीक। अब यूनिसेक्सुअल क्या होता है? एक लिंगी, एक लिंगी में मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेल एंड फीमेल। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी एनिमल्स, ठीक है, या हम ह्यूमन बीइंग को ही ले लेते हैं। ये यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो देखते हैं लैंगिक जनन में होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं। फर्स्ट हम देखेंगे निषेचन पूर्व घटना, सेकेंड निषेचन, थर्ड निषेचन पश्च घटनाएं। एक एक करके जानेंगे हम क्या क्या इनके प्रोसेस हैं। पहले हम देखेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। इसमें पहला है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कहते किसे हैं? युग्मक के निर्माण के प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। युग्मक के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड सेकेंड इज है, और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण में क्या होता है? जब गैमेट पूरी तरह से बन जाता है, मेल और फीमेल दोनों में पूरी तरह से युग्मक का निर्माण हो जाता है, तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होकर के जाके फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज करने के बाद एक नए युग्मनज का निर्माण करता है, नए जायगोट का निर्माण करता है, जिसे हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगला है युग्मक के प्रकार। युग्मक के तीन प्रकार होते हैं, जैसे समयुग्मक, असमयुग्मकी, ठीक, विषम युग्मकी, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, उगैमस। ये तीन टाइप हैं युग्मक के, यानी जायगोट के प्रकार। तो हम देखते हैं पहला समयुग्मकी क्या होता है। समयुग्मकी में नर व मादा दोनों शेप एंड साइज में समान होते हैं और फ्लैजलेटेड होते हैं। फिर इसके बाद मिलने के बाद जो एक नया संतति का निर्माण होता है वो भी सेम पेरेंट्स के ही समान होता है, ठीक। इसका एग्जांपल है जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया। इन जीवों में क्या होता है? समयुग्मकी होते हैं, ये आइसोगैमस होते हैं। सेकेंड है एनआइसोगैमस, असमयुग्मकी। इनमें क्या होता है? नर व मादा बाहरी रूप से दिखने में तो समान तो होते हैं, पर परिणाम क्या होता है उनका? अलग अलग होता है। दोनों का परिणाम सेम नहीं होता है। फ्लैजलेटेड भी होते हैं पर इनका इंटरनल परिणाम सेम नहीं होता है, ठीक। इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास का ही दूसरी स्पीसीज है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक। तीसरा है उगैमस। उगैमस विषम युग्मकी उगैमस। इसमें क्या है कि नर व मादा दोनों पूर्ण रूप से अलग होते हैं, शेप साइज दोनों की क्या होती है? अलग होती है। इनका परिणाम भी अलग होता है। जैसे मेल मेल का जो शुक्राणु होता है वो अलग शेप साइज का होता है, फीमेल का जो अंडाणु होता है वो अलग शेप साइज का होता है। तो बोथ आर डिफरेंट आर ईच अदर, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ओडोगोनियम को। ओडोगोनियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे सेकेंड है फर्टिलाइजेशन। इसके पहले हमने पढ़ा था निषेचन पूर्व घटनाएं, अब है निषेचन। निषेचन क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने के बाद जो एक नए युग्मनज का निर्माण होता है, या यूं कह सकते हैं कि दो अलग अलग युग्मक के फर्टिलाइज होने के बाद जो एक डिप्लॉयड
युग्मनज का निर्माण होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पर कुछ जीवों में ऐसा होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन का भी उनमें अगली संतान उत्पन्न हो जाती है मादा के द्वारा बिना फर्टिलाइजेशन के। ऐसे एग्जाम्पल है जैसे छिपकली हो गया, मधुमक्खी हो गया, रोजी फर्न हो गया। ये कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी मादा के माध्यम से अगली संतान उत्पन्न हो जाती है। इसे अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्या है हेडिंग। जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के ही कई पार्ट, दो पार्ट्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाय निषेचन क्या होता है? वाय निषेचन में ये होता है कि प्राणी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। प्राणी के शरीर के बाहर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या वाय निषेचन कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे मछलियाँ हो गई, कुछ उभयचर हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो वाय निषेचन के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। दूसरा हम देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अंतःनिषेचन, अंतःनिषेचन ये शरीर के अंदर की प्रोसेस कंप्लीट होती है, शरीर के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन की, जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह लगभग सभी सभी स्थली प्राणियों में पाया जाता है, जैसे बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया। इन सब में क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। तीसरा एंड लास्ट टॉपिक हमारा है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाओं में क्या है कि नर्व मादा युग्मक के मिलने से एक नया युग्मनज का निर्माण होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने से एक नए जायगोट का निर्माण होता है, और वह जायगोट समसूत्री विभाजन के माध्यम से डेवलप होता है। जायगोट जब बन जाता है तो वह समसूत्री विभाजन के माध्यम से विकसित होता है, और विकसित होने के बाद एक नए एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीवों में पाई जाती है। अगर यही एम्ब्रियोजेनेसिस, यही भ्रूण का निर्माण शरीर के बाहर होने लगे, जब शरीर के बाहर होता है तो इसे अंडप्रजक या विविपेरस कहते हैं। विविपेरस नहीं, ओविपेरस, अंडप्रजक, जैसे बर्ड्स, अंडे देने वाले जीव। इनमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, वो शरीर के बाहर होता है, ठीक, इसलिए ये अंडप्रजक या ओविपेरस कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इनका, बर्ड्स, सभी बर्ड्स। अब हम देखेंगे सजीव प्रजक, विविपेरस। सजीव प्रजक क्या होता है? इसमें स्त्रियों में 9 मंथ की प्रोसेस होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन भ्रूण का निर्माण होता है, फिर इसके बाद 9 मंथ प्रोसेस होती है, जो उसमें प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान 9 मंथ की जो प्रोसेस होती है उसमें भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण गर्भाशय में पूरी रूप से क्या होता है, विकसित होता है, और विकसित होकर एक नए संतति को जन्म देता है आफ्टर 9 मंथ। ये प्रोसेस मैमल्स में होती है, ये प्रोसेस मैमल्स में होती है, जिसे हम कहते हैं विविपेरस सजीव प्रजक। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है आज हमारा। नेक्स्ट अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। ओके, थैंक यू कहते हैं। पर कुछ जीवों में ऐसा होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन का भी उनमें अगली संतान उत्पन्न हो जाती है मादा के द्वारा बिना फर्टिलाइजेशन के।
ऐसे एग्जाम्पल है जैसे छिपकली हो गया, मधुमक्खी हो गया, रोजी फर्न हो गया, ये कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी मादा के माध्यम से अगली संतान उत्पन्न हो जाती है। इसे अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्या है हेडिंग, जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के ही कई पार्ट, दो पार्ट्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाय निषेचन क्या होता है? वाय निषेचन में ये होता है कि प्राणी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, प्राणी के शरीर के बाहर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या वाय निषेचन कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे मछलियाँ हो गई, कुछ उभयचर हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो उभय सॉरी वाय निषेचन के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। दूसरा हम देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अंतःनिषेचन। अंतःनिषेचन ये शरीर के अंदर की प्रोसेस कंप्लीट होती है, शरीर के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन की, जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह लगभग सभी सभी स्थली प्राणियों में पाया जाता है, जैसे बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया, इन सब में क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, तीसरा एंड लास्ट टॉपिक हमारा है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाओं में क्या है कि नर्व मादा युग्मक के मिलने से एक नया युग्मनज का निर्माण होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने से एक नए जायगोट का निर्माण होता है। नर्व मादा युग्मक के मिलने से एक नया युग्मनज का निर्माण होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने से एक नए जायगोट का निर्माण होता है, और वह जायगोट समसूत्री विभाजन के माध्यम से डेवलप होता है। जायगोट जब बन जाता है तो वह समसूत्री विभाजन के माध्यम से विकसित होता है, और विकसित होने के बाद एक नए एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीवों में पाई जाती है। अगर यही एम्ब्रियोजेनेसिस, यही भ्रूण का निर्माण शरीर के बाहर होने लगे, जब शरीर के बाहर होता है तो इसे अंडप्रजक या वीवीपेरस कहते हैं, वीवीपेरस नहीं, ओवीपेरस, अंडप्रजक, जैसे बर्ड्स, अंडे देने वाले जीव। इनमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, वो शरीर के बाहर होता है, ठीक, इसलिए ये अंडप्रजक या ओवीपेरस कहे जाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है इनका, बर्ड्स, सभी बर्ड्स। अब देखेंगे सजीव प्रजक, वीवीपेरस। सजीव प्रजक क्या होता है, इसमें स्त्रियों में 9 मंथ की प्रोसेस होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भ्रूण का निर्माण होता है, फिर इसके बाद 9 मंथ प्रोसेस होती है, जो उसमें प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान 9 मंथ की जो प्रोसेस होती है उसमें भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण गर्भाशय में पूरी रूप से क्या होता है, विकसित होता है, और विकसित होकर एक नए संतति को जन्म देता है आफ्टर 9 मंथ। ये प्रोसेस मैमल्स में होती है, ये प्रोसेस मैमल्स में होती है, जिसे हम कहते हैं वीवीपेरस सजीव प्रजक। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है आज हमारा, जिस नेक्स्ट अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। ओके, थैंक यू।